दोस्तों मेरे पास सामने गर्ल बैठी हैं जिनके सिर में बाल बहुत गिरते हैं, अल्ट्रासाउंड में बार बार PCOD आता है, बट सारे हार्मोन रिपोर्ट नॉर्मल हैं उनके, प्लस पीरियड उनका हर 21 दिन में आते हैं और ब्लीडिंग कम होती है। तो अब सारे गायनेकोलॉजिस्ट ले डॉक्टर ये बोले तो PCOD है, दवा लिया सब कुछ लिया बट कोई आराम नहीं आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या उनको PCOD है या PCOD नहीं है। तो आप सब जान लो PCOD क्या होता है, कि इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS। जो सिस्ट होते हैं ओवरी के अंदर वो रियल सिस्ट नहीं है, इमेच्योर एग्स दे लुक लाइक सिस्ट। तो क्या होता है कि ओवरी के अंदर कई बीमारियों की वजह से PCOD में एग मैच्योर नहीं हो पाते हैं, सो दैट अल्टीमेटली ऑल इमेच्योर एग फॉलिकल दे लुक लाइक सिस्ट। नॉर्मली जब अल्ट्रासाउंड करते हो तो अल्ट्रासाउंड में PCOD तब बोलते हैं जब एक या दोनों ओवरी का वॉल्यूम मोर देन 10 ml हो, CC हो, एक या दोनों ओवरी में मोर देन 12 फॉलिकल्स हो, दो क्राइटेरिया होता है, तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड पैटर्न, ये कहते हैं फॉर PCOD। बट क्या होता है कि PCOD जो बीमारी होती है उसे क्या होता है कि मेल हार्मोन हाई होना चाहिए। नॉर्मली PCOD बीमारी कहने के लिए अल्ट्रासाउंड में PCOD मिलना चाहिए प्लस एक फॉर्मेशन डिले होना चाहिए, ये तो ना हो या डिले हो, या मेल हार्मोन ब्लड में ज़्यादा हो, तीन में से दो फीचर होने चाहिए। तो पहला होगा कि अल्ट्रासाउंड PCOD पिक्चर हो, जब अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग की जाए तो एग फॉर्मेशन ना हो, या नॉर्मली एग बनता 35 दिन के अंदर, 28 से 35 दिन बनता है, एग लेट बने, या अल्ट्रासाउंड में ब्लड टेस्ट में मेल हार्मोन हाई हो, या बाहर से चेहरे पर अनचाहे बाल हो, इसके फीचर हो, मेल हार्मोन के फीचर हो हाई होने के, बट मेनली ब्लड टेस्ट में हाई टेस्ट होना चाहिए। तो पहला अल्ट्रासाउंड मिला आपको, सेकेंड आपको क्योंकि पीरियड 25 दिन में आते हैं, तो अगर इसका तो पीरियड टाइम पाते हैं आपको, तो टाइम पाना एक बहुत स्ट्रांग फीचर अगेंस्ट है। तो मैं बोला पीरियड लेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक न बने पीरियड लेट होना चाहिए, तो पीरियड टाइम पाना बहुत ही स्ट्रांग फीचर है कि शायद आपको PCOD नहीं है। तो किसी गर्ल को अगर पीरियड टाइम पर आए, अल्ट्रासाउंड PCOD आए और चेहरे पर मेल हार्मोन ज़्यादा ना हो, या ब्लड में सारे मेल हार्मोन जैसे कि टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, DHEAS एंड 17 हाइड्रोक्सीप्रोस्टेरोन, 5 मेल हार्मोन होते हैं, और 5 मेल हार्मोन ब्लड में नॉर्मल है, तो उस गर्ल को PCOD नहीं है। क्या होता है कि किसी गर्ल के अंदर अल्ट्रासाउंड में PCOD पिक्चर आ सकता है और उसके पीरियड टाइम पास होते हैं, अंडे भी हर महीने रेगुलर बनते हैं, तो रेगुलर एक बन रहा तो आपको PCOD बीमारी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला आपको कि PCOD कब कहेंगे। तो फिर समझ लो दुर्भाग्य क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्किन डॉक्टर है, जहाँ देखा अल्ट्रासाउंड PCOD है, बीमारी हो गई भाई। कई चीज PCOD बीमारी कहने के लिए अल्ट्रासाउंड पिक्चर कराओ, अदर फीचर होने चाहिए। तो ऐसे मरीजों के हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते हैं कि एक फॉर्मेशन हो रहा नहीं हो रहा, और अल्ट्रासाउंड में पीरियड 25 दिन आ रहा और एक नहीं रिलीज हो रहा, मतलब हमने 8वें दिन से अल्ट्रासाउंड करते हैं, 8वें दिन 10वें दिन एक दिन छोड़कर, और नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड के 14 डे में एक रिलीज होता है ना, तो और अल्ट्रासाउंड दिखाता है एक नहीं बन रहा आपका, तो PCOD डायग्नोसिस बन जाएगी। प्लस आपके में ब्लड टेस्ट देखा, आपके अंदर मेल हार्मोन टेस्ट कोई नहीं हुआ है, तो आपका एक AIIMS टेस्ट हो रखा है, तो अगर लैब टेस्ट बात करो तो लैब टेस्ट क्या होता है कि PCOD डायग्नोसिस करने के लिए मेन टेस्ट होता है कि मेल हार्मोन हाई होने चाहिए, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, 17 हाइड्रोक्सीप्रोस्टेरोन, DHEAS, ये मेन होता है, 5 हाई होने चाहिए,
कभी कभी डॉक्टर AIIMS करते हैं। AIIMS टेस्ट क्या होता है कि ये बताता है कि आपके अंदर एग कितने बन रहे हैं। नॉर्मली PCOD में एग खूब बनते हैं, तो AIIMS ज़्यादा होता है, आपका AIIMS ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली क्या AIIMS अक्सर 4 से ज़्यादा होता है, 4 से आपका 1.8 आ रखा ली, तो आपका AIIMS भी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब फीचर अगेंस्ट जा रहा है कि आपको PCOD है। फिर क्वेश्चन उठता है बाल क्यों गिर रहे हैं, तो बाल गिरने के कई कारण होते हैं, आयरन कमी, विटामिन डी कमी, जिंक कमी, बायोटिन कमी, खाने प्रोटीन कमी, खानदान में कोई गंजा हो, बाल्डनेस टेंडेंसी हो, या ब्लड में DHT हार्मोन हाई हो, ये कारण होते हैं। जहाँ ब्लीडिंग कम की बात होती है और किसी को ब्लीडिंग टाइम पर ब्लीडिंग कम आए, तो दो ही कारण होते हैं, या तो उसको स्ट्रेस है या वेट कम कोशिश कर रही है। तो नहीं है, दो ही कारण होते हैं ना। और अगर जब भी मेल हार्मोन हाई होता है तो उसे पीरियड डिले के साथ साथ ब्लीडिंग कम होती है, और पीरियड टाइम पर आए तो दो ही कारण होता है, तो आपके ओवरी के अंदर एक की संख्या कम है तो उसे AIIMS नॉर्मल आपका है, या आपका क्या नाम कि स्ट्रेस है या वेट लॉस कोशिश कर रही हो। तो हम आपको कुछ हार्मोन चेक करेंगे, आप मेल हार्मोन चेक करेंगे जानने के लिए मेल हार्मोन हाई है नहीं है। सर गुस्सा मुझे आता है बहुत ज़्यादा। वो तो गुस्सा छोड़ो, तो खुशी मारता होगा नहीं सर।